LIC एडवाइजर्स का भविष्य खतरे में है। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनका भविष्य खतरे में है। इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, विशेषकर YouTube और Facebook पर तो ये भरे पड़े हैं। YouTube पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या सनसनी पैदा करने के लिए इस तरह के थंबनेल डालते हैं या इस तरह के टाइटल लगाकर वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे कि जितने भी एडवाइजर्स हैं वो जिज्ञासावश उसको क्लिक करेंगे और उस वीडियो को देखेंगे। लेकिन क्या वास्तव में LIC एडवाइजर्स का भविष्य खतरे में है? यदि हम इस पर ठीक ढंग से विचार करें, यदि इस पर गहन अध्ययन करें, तो हम यह पाते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। LIC एडवाइजर्स का भविष्य खतरे में नहीं है। खतरे में है उनके लिए जो समय के अनुकूल अपने आप को चेंज नहीं करते, जो चेंज नहीं करेंगे। और ये आज की नहीं, बहुत ही पुरानी परंपरा रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य होंगे वही आगे बढ़ेंगे, अयोग्य पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अयोग्य आगे बढ़ जाता है और योग्य पीछे रहता है। तो LIC एडवाइजर्स का भविष्य खतरे में है, इस तरह के टॉपिक्स को देखकर आप तुरंत ही उन वीडियोज़ को देखना शुरू ना कर दें, बल्कि इस बात पर विचार करें कि क्या वास्तव में ये जो चैनल्स बता रहे हैं या फिर जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स ये बता रहे हैं कि LIC एडवाइजर्स का भविष्य खतरे में है, क्या वास्तव में खतरे में है? ऐसा नहीं है। जितने भी एडवाइजर्स टर्मिनेट होते हैं, जाते हैं, फिर नए एडवाइजर्स आते हैं और वो अच्छा काम करते हैं और फिर वो क्लब मेंबरशिप लेते हैं। आज भी बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो क्लब मेंबरशिप ले रहे हैं, लेकिन खतरे की घंटी है, ज़रूर है उनके लिए जो नई टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं, नए वातावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं। आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर का वातावरण, इसका एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। पहले LIC का एक छत्र राज था, केवल LIC की पॉलिसीज होती थी, लेकिन जब से प्राइवेट कंपनियां आई हैं, नए इंडिविजुअल्स आए हैं और नए नए कंपनियां आ रही हैं, जितने बहुत सारे नई प्राइवेट कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट में आ रही हैं, तब से कंपटीशन बढ़ा है और मार्केट शेयर धीरे धीरे 10%, 20%, 30% प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाते हुए आज स्थिति यह है कि 40% तक उनके शेयर पहुंच चुके हैं। यानी कि 60% अभी LIC की पॉलिसीज होती हैं और बाकी 40% बाकी सारी कंपनियों के पॉलिसीज होती हैं। इन 40% में प्राइवेट कंपनियों के ज़्यादातर टर्म इंश्योरेंस होते हैं या फिर बहुत अधिक प्रीमियम वाले एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू करते हैं और जितने भी HNI पर्सन होते हैं, अधिक पैसे वाले लोग होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं, क्योंकि बैंकों में उनके बहुत सारे काम होते हैं, बिजनेस के लिए उनको लोन लेना पड़ता है, साथ ही उनके करंट अकाउंट्स होते हैं जिनको ये बैंक हैंडल करने का काम करते हैं, तो इस तरह से वहीं से ये इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज LIC की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, मेट्रो सिटीज़ में भी और बड़े बड़े शहरों में भी ये पॉलिसीज आसानी से हो रही हैं LIC की। इसका कारण है एजेंट्स के थ्रू LIC पॉलिसीज का होना। LIC एजेंट्स बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, घर घर घूमते हैं, शहरों में, गांवों में, घर घर जाकर ये पॉलिसी अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस का काम करते हैं, साथ ही उनको सर्विसिंग देते हैं, क्लेम प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इस कारण किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स के कहने पर ये एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी लेते हैं, किसी एजेंट्स को रेफ़र करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को जब कोई रेफ़र करता है तो ऑटोमेटिकली वो उस पर विश्वास करता है और उसके पास से पॉलिसीज लेता है। तो सबसे बड़ा कारण है क्लेम सपोर्ट। क्लेम सपोर्ट के कारण ही ये LIC की पॉलिसीज ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इंश्योरेंस मार्केट का वातावरण बिल्कुल चेंज हो गया है, इसका एनवायरनमेंट बदल गया है और आने वाले समय में ये धीरे धीरे और बदलेगा। जब बीमा सुगम लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद ये और पूरी तरह से बदल जाएगा। उसी के अनुरूप अब एजेंट्स को भी अपने आप को बदलना होगा। आज पता है हर इंडिविजुअल, चूंकि आज सोशल मीडिया का युग है, लोग YouTube और Facebook पर तरह तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखते हैं और जानकारियां लेते हैं, तो हर कोई कुछ न कुछ जानकारी रखता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी कुछ LIC एडवाइजर्स से भी ज़्यादा होती है। तो अब आपसे ज़्यादा जब उनकी जानकारी होगी और जब आप उनके पास बैठेंगे और जब आप उनकी क्यूरियसिटी की, उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे या जो वो जानकारियाँ लेना चाहेंगे आप उनका सही उत्तर उनको नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वो आपके पास पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है। इसी कारण आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है।
यदि आप अपना नॉलेज अभी नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आपको किस तरह के नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज है, इंश्योरेंस के बारे में आप बहुत जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में उतनी नॉलेज ना हो, आपको मेडिक्लेम के बारे में उतनी नॉलेज ना हो। अब मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है कि यदि मैं कोई मेडिक्लेम लेता हूँ कहीं पर तो ये मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरा तो LIC की पॉलिसी है, मेरे पास LIC की पॉलिसी चल रही है, लेकिन साथ में मैं एक कैशलेस मेडिक्लेम लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि वो कैसा रहेगा। अब आपको मेडिक्लेम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें कैशलेस होती हैं, किन किन चीज़ों को रिएम्बर्समेंट करना पड़ता है, रिएम्बर्समेंट क्या होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों की मेडिक्लेम में पेमेंट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि नॉन मेडिसिनल आइटम्स जो होते हैं उनकी पेमेंट नहीं होती है, मेडिक्लेम में क्या क्या कवर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको डिटेल्स में समझा पाएंगे कि कैशलेस मेडिक्लेम लेना सही होता है या फिर जो रिइंबर्समेंट वाले जो मेडिक्लेम्स होते हैं वो लेना सही होता है। तो इस तरह से आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता है, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है, तो यदि आपके पास उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको नहीं दे पाएंगे, आप उसको बता नहीं पाएंगे। वो अगर कहेगा कि भाई मेरे पास तो आपके पास 20 लाख 25 लाख की पॉलिसी चल रही है, साथ ही मैं चाहता हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ म्यूचुअल फंड में, तो आप मुझे सजेस्ट करें, मुझे मशवरा दें, मुझे सलाह दें, तो आप उसको किस तरह से सजेस्ट करेंगे। तो आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से फंड होते हैं, मिड कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, डेप्ट फंड क्या होता है, मिक्स्ड फंड क्या होता है, मल्टी कैप फंड क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, कौन कौन से प्लान्स में रेगुलर प्लान्स होते हैं। तो इस तरह से जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसको डिटेल्स में समझा पाएंगे एक एडवाइजर्स के हिसाब से, एक एडवाइजर्स के तरीके से जब आप उसको समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपसे प्रभावित होगा और आपसे और पॉलिसीज लेगा। पता है कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जब उसको बताएंगे तो साथ ही जब आप उसी की तरह के यूलिप प्लान्स के बारे में आप बताएंगे कि LIC के पास एक SIIP प्लान है, निवेश प्लस प्लान है, तो जब इस तरह से जब आप कंपेयर करके उनको समझाएंगे तो वो जानेगा कि हाँ इसके पास नॉलेज है, म्यूचुअल फंड की भी नॉलेज है, शेयर मार्केट की भी नॉलेज है, शेयर मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि शेयर मार्केट में पुट एंड कॉल होता है, जब पुट और कॉल की नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि पुट और कॉल आज हर व्यक्ति जानता है कि पुट और कॉल क्या होता है, बेसिक नॉलेज सबके पास है, लेकिन जब आपके पास इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे कि हाँ पुट और कॉल में कौन लोग सफल होते हैं, कौन लोग असफल होते हैं, कौन लोग अपनी पूरी पूंजी गंवा देते हैं। आज तक आपने किसी को देखा है कि पुट और कॉल में इन्वेस्ट करके अरबपति करोड़पति लाखपति बन गया हो? उसमें वही लोग सफल होते हैं जो बहुत अधिक पूंजी लगाकर बैठे हुए हैं और तरह तरह से उसमें अपने माइंड को लगाकर पुट और कॉल का खेल करवा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप इस चीज़ को डीपली नहीं जानेंगे कि कौन लोग सफल हो रहे हैं, कौन लोग असफल हो रहे हैं, पुट और कॉल की नॉलेज क्या है, किस तरह से हम इसके बारे में कस्टमर्स को समझाएंगे, तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यानी कि केवल इंश्योरेंस पर डिपेंड होकर ही, केवल इंश्योरेंस की नॉलेज रखने से ही आप मार्केट में सफल नहीं होंगे। जब आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको तरह तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्थान पे रहते हैं, आप इंडिया के किस कोने में हैं, आप कश्मीर में हैं या हरियाणा में हैं या पंजाब में हैं या गुजरात में हैं या राजस्थान में हैं, या आप ईस्टर्न साइड में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, या आप साउथ इंडिया में हैं, तो आप किस स्थान पर हैं, कहाँ पर आप रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे, और उन प्रश्नों के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा, उन प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और एक सही एडवाइज़र बनना होगा आपको। एक सही और सफल एडवाइज़र आप तभी बन सकते हैं जब आप इन सभी चीज़ों का नॉलेज लेंगे। बहुत सारे एडवाइज़र्स म्यूचुअल फंड को अछूत समझते हैं, मेडिक्लेम या दूसरी चीज़ों को अछूत समझते हैं, शेयर मार्केट को अछूत समझते हैं। नहीं, उनको अछूत नहीं समझना होगा, बल्कि उनकी भी नॉलेज लेनी होगी, उन चीज़ों को आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा और सही सलाह कस्टमर्स को देना होगा। यदि कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ज़रूर करें, आप उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि पता है उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब किसी के पास अच्छी खासी इंश्योरेंस हो चुकी है, वो अगर 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले चुका है तो अब क्यों वो इंश्योरेंस लेगा, अब तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो आपको वो सपोर्ट करना होगा उनको, जिससे कि वो कस्टमर आपके साथ बना भी रहे,
आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज को वो कंटिन्यू करे, बीच में उसको स्टॉप ना करें। तो इस तरह से आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मेडिक्लेम क्या होता है, कैशलेस मेडिक्लेम क्या होता है। तो इन सब सारी चीज़ों को की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। स्टैंड अलोन कंपनियाँ क्या होती हैं, आपको पता है कि स्टैंड अलोन कंपनियाँ होती हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ गाड़ी का इंश्योरेंस भी करती है, घरों का इंश्योरेंस करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस करती है। तो जनरल इंश्योरेंस और स्टैंड अलोन में ये डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब इस तरह के नॉलेज आपके पास होंगे और सारे नॉलेज के साथ जब आप मार्केट में उतरेंगे तो उन LIC एडवाइजर्स के लिए खतरे की घंटी नहीं है। साथ ही उन एडवाइजर्स के लिए भी खतरे की घंटी नहीं है जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फाइनटेक गाइड स्टार्टिंग से ही कहती आ रही है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में टिकेंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे, वरना मार्केट से आउट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के लिए ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का एक प्लेलिस्ट ऑप्शन बनाया गया है, जहां पे जो भी आवश्यक ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती है और आने वाले समय में वहां पर और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। आने वाले समय में बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है, उसके पहले आपके पास आनंदा है, LIC का एजेंट पोर्टल है, इन दोनों का आप सही से यूज़ करें। LIC के एजेंट पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आज आनंदा को भी उसमें लिंक कर दिया गया है और आने वाले समय में बीमा सुगम के साथ आनंदा को लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि जब आप आनंदा में पॉलिसी करेंगे तो बीमा सुगम के थ्रू भी वो पॉलिसीज होंगी, तो या फिर बीमा सुगम के थ्रू आप पॉलिसीज करेंगे तो फिर वो अपने एजेंट पोर्टल में भी आप देख पाएंगे। तो आपको अपने एजेंट पोर्टल और आनंदा का सही उपयोग करना, उनका सही यूज़ करना आना चाहिए। जब तक आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, ये जो LIC की तरफ से आपको जो दो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, एजेंट पोर्टल और आनंदा, इनका सही यूज़ करें, इनके बारे में सही से सीखें, तभी आप आने वाले समय में बीमा सुगम से भी पॉलिसीज कर पाएंगे और मार्केट में टिके रहेंगे, वरना आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। बीमा सुगम लॉन्च होगी तो उसके साथ पता है आपको कि म्यूचुअल फंड के तरह ही रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान सेल होंगे। अब बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से भयभीत हैं और इसको हवा बनाकर बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं कि आने वाले समय में जब बीमा सुगम लॉन्च होगी तो एजेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, एजेंट्स का वजूद ख़त्म हो जाएगा, एजेंट्स का कोई काम नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद भी LIC एडवाइजर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डिफरेंट चीज़ है, जहाँ से लोग अगर डायरेक्ट प्लान्स लेते भी हैं तो वो उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं और जब चाहे उसको रिडीम करके पैसे उठा सकते हैं। वो सिंपल चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल फंड पैसा रखना है उठाना है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो एक वास्ट चीज़ है। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म का खेल होता है। इंश्योरेंस लोग अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लेते हैं और जल्दी से इसको विड्रॉ नहीं करते या इसको स्टॉप नहीं करते जब तक कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं होती है। तो इंश्योरेंस जो होगी उसको कोई डायरेक्ट लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं या बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग भी उनको नहीं समझ पाते। एक क्लेम प्रोसेस आप देखें कि आपके ब्रांच में जब एक क्वालिफाइड पर्सन भी आकर सबमिट करता है तो आसानी से उसको क्लियर नहीं कर पाता, जब तक कि वो किसी एडवाइज़र का, किसी एजेंट का सपोर्ट नहीं लेता। तो जब एक एजेंट सपोर्ट करेगा, बीमा सुगम के द्वारा किसी की पॉलिसी करेगा या उसको सर्विसिंग देगा, तो एक ट्रेंड जो एजेंट होगा उसकी नॉलेज एक साधारण व्यक्ति से या क्वालिफाइड व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लगातार बीमा सुगम में काम कर रहा होगा। और एक व्यक्ति जब बीमा सुगम से ऑनलाइन पॉलिसी लेगा तो वो सिर्फ बीमा सुगम का बेसिक नॉलेज ही उसके पास होगी, तो इसलिए जनरली वो डायरेक्ट प्लान नहीं लेगा बल्कि LIC एजेंट्स के थ्रू ही या इंश्योरेंस एडवाइजर्स के थ्रू ही पॉलिसी लेगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि केवल LIC की पॉलिसीज़ वहाँ से सेल नहीं होंगी, बल्कि जितनी भी कंपनियाँ हैं उन सारी कंपनियों के सारे पॉलिसीज़ वहाँ से सेल होंगी। तो अब आपको अपने आप को एक्टिव बनाना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, यानी आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, जिससे कि उन प्राइवेट जो इंश्योरेंस सेक्टर के एडवाइजर्स हैं उनके साथ आप एक हेल्दी कंपटीशन कर सकें और उनको टक्कर दे सकें। वरना आपके पास जब नॉलेज कम रहेगी तो निश्चित रूप से वो प्राइवेट सेक्टर्स के एजेंट्स सारे पॉलिसीज लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए फाइनटेक गाइड शुरू से कह रही है कि आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। आप ऑनलाइन अपने आप को इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन सपोर्ट लें, ट्रेनिंग सीख लें, टेक्निकली जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करें और LIC की तरफ से जो भी प्लेटफॉर्म प्रदान किए गए हैं, चाहे वो एजेंट पोर्टल हो या आनंदा हो या जो LIC का खुद का वेबसाइट है, वहाँ भी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं, उन सब की ट्रेनिंग ठीक से लें, सीखें उनके बारे में, तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे, वरना मार्केट से आउट हो जाएंगे। और खतरे की घंटी ऐसे ही एडवाइजर्स के लिए है जो
समय के अनुकूल अपने आप को ढालते नहीं या समय के अनुकूल अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इंश्योरेंस मार्केट के बदलते वातावरण के अनुरूप आपको ढालने के लिए फाइनटेक गाइड हमेशा इस तरह के वीडियोस अपलोड करती रहेगी, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। तो इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट गाइड की तरह है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।